हेलो, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉट्स ऑफ चैंपियन का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में हम देखेंगे दो हल्क्स को, बुलसाई और ऐसे ही बाकी बेहतरीन फाइटर्स को फाइट करते हुए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रांस में 15 साल पहले, जहाँ पर एक लड़की अपने हाथ में एक कैंडल लेकर एक रूम में घुस रही थी। वो जगह जो उसका घर था, वो कई सारे सीक्रेट्स के साथ उसके ग्रो अप होने की गवाही दे रहा था। लेकिन स्पेशली एक रूम जो उसके पिता की थी, वहाँ पर उसे जाना मना था। उसके पिता इस बारे में काफी स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उस दिन दरवाजा खुला रह गया और एक बॉक्स में वो उस तलवार को देखती है और उसे छूते हुए वो अपने हाथ को काट लेती है। गलती से कटने के बाद वो हड़बड़ी में उठ खड़ी होती है, लेकिन कमजोर सीलिंग की वजह से वो नीचे गिर जाती है उस तलवार के साथ, और इसी वजह से वो तलवार उसके खून का स्वाद चख लेती है और तभी वो गुलोटिन में शामिल हो जाती है। वो कह भी रही थी कि मैं तुम में से एक नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ, लेकिन वो अपनी ब्लड की वजह से उस तलवार के साथ बॉन्ड हो चुकी थी। और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर कलेक्टर उन लोगों को बैटल रियल के कुछ रूल्स के बारे में बता रहा था, और वो लोग बैटल रियल के आउटपोस्ट पर थे, जहाँ पर वो कहता है अगर टीम में से सारे लोग, सारे कंटेस्टेंट्स मारे गए या फिर हार गए तो वो टीम हार जाएगी, तो मरना मत या फिर लूज मत होना। और वो मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है और ऑफ कोर्स मेरे पास 5 की जगह सिर्फ 4 ही है, और इस बारे में तुम कुछ करोगे डॉक्टर बैनर, क्योंकि तुम भी मेरे ही समनर हो। तब वो कहता है हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो कलेक्टर, मैं तुम्हें परफेक्ट टाइम में परफेक्ट प्लेयर ला के दे दूंगा और मेरा नाम मास्टर है। यहाँ पर कलेक्टर उसे बताता है आगे की टीम के पास भी 4 प्लेयर्स है, वेनम, सेंट्री, हल्क और बुलसाई। और सेंट्री को देखकर एरिस पागल हो जाता है, और ये लोग उन सबको देखकर काफी हैरान थे क्योंकि गमोरा ने वेनम को लगभग मार ही दिया था, लेकिन वो अब भी जिंदा था। तब मास्टर कहता है मुझे दुख है कि तुमने सिम्बियोट को भले ही मार दिया हो, लेकिन उसका सिम्बियोट उसे लगभग अमर बना देता है, और वैसे भी तुम्हें ज्यादा हल्क देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी आयरन मैन कहता है लेकिन मेरा क्या, अगर मैं चाहूँ भी तो भी तुम या फिर जॉस्टिक सिट के साथ कोई फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा आर्मर लगभग तबाह हो चुका है। तो ग्रैंड मास्टर कहता है ऑफ कोर्स, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है स्टार, और इसी वजह से तुम अब जा सकते हो। और वो अपनी पावर का यूज करके वहां से उसे कहीं पर भेज देता है, लेकिन अब उसका आर्मर सिर्फ खोखला रह चुका था। यहाँ पर मास्टर बताता है कि ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेटेजी ये कहती है कि सेंट्री और हल्क को वो अप्लाई करेगा रॉ पावर के तौर पर, और वे नंबर बुल से किल लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर तुम सारे लोग मर गए तो अपनी फाइनल विक्ट्री की तरफ वो और भी ज्यादा नजदीक आ जाएगा। और तब मास्टर अपना प्लान बनाने लगता है और कहता है कि गमोरा रिंगर के तौर पर जाएगी। तब वो कहती है हाँ, यही उम्मीद करो कि कहीं पर मैं तुम्हें ना काट दूं। तब वो कहता है कि तुम गुलोटिन के साथ जाओगी, और तब एरिस ये सुनकर कह रहा था कि मैं अपनी एक्स तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा अगर तुमने मुझे बैटलफील्ड में ना भेजने की गुस्ताखी की तो, क्योंकि सेंट्री पहले ही मुझे मार चुका है और मैं बैटलफील्ड उसके खून से रंगने के लिए तैयार हूँ। और तब मास्टर कहता है हाँ एरिस, और तुम्हें ये करता हुआ देखने के लिए मैं काफी उतावला हूँ। यहाँ पर वो लोग बैटलफील्ड में आ चुके थे, और बैटलफील्ड कोई और नहीं, और बैटलफील्ड थी मैनहट्टन और 61610 की। यहाँ पर वो जैसे ही लैंड होते हैं, सबसे पहले एरिस सेंट्री को पुकारता है और कहता है कावर्ड मुझे फेस करो, लेकिन तभी दूसरे ही सेकेंड में सेंट्री वहां से उसे उठाकर ले जाता है और कहता है चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। और सेंट्री जो कि रॉब रेनॉल्ड्स था, वो उसे उठाकर हवा में ले जा चुका था। यहाँ पर ये देखते ही गुलोटिन और गमोरा आपस में कुछ रणनीतियां बनाने लगती है, लेकिन वो स्टिक से पूछती है कि ये तुम्हारी टेरिटरी है, लेकिन इससे पहले ही स्टिक वहां से गायब हो चुका था। तब गमोरा कहती है कि एरिस और सेंट्री जा चुके हैं और हमें भी अपने काम पर निकलना चाहिए। तब वो कहती है हाँ निकलना चाहिए, और तभी गुलोटिन की तलवार उससे बात करती है और यही बात वो भी सुन लेती है कि गमोरा। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारी तलवार तुमसे बात करती है, तो वो कहती है हाँ, लेकिन अच्छा है कि ये तुम भी सुन सकती हो, कई बार ये मेरे सर में दस्तक देने की जैसी आवाज होती है और कई बार ये मेरी बात भी सुनती है। यहाँ पर दूसरी टीम में 3 मेंबर्स बचे थे, वेनम, हल्क जो कि रिक जोन्स था, और बुलसाई जो कि इलेक्ट्रा थी। और इलेक्ट्रा ये कहकर वहां से चली जाती है कि वो अपना पाथ खुद ढूंढ लेगी, और वो अकेले ही काफी कारगर साबित होती है। और
तब हल्क भी अपनी कंघी तोड़ते हुए कहता है, हल्क को भी किसी ह्यूमन की जरूरत नहीं है, हल्क को ह्यूमन हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं कि हल्क को क्या करना चाहिए। और वो आगे बताता है कि जब उसको भी काफी कुछ सहना पड़ा है, रॉक एंड रोल नहीं, लंबे बाल नहीं, लाउड म्यूजिक नहीं, मेकआउट नहीं, और साथ ही साथ गामा बॉम्ब के क्लास में हारमोनिका प्ले भी नहीं करना, लेकिन इसी की वजह से हल्क पैदा हुआ और अब हल्क हल्क है, हल्क वही करेगा जो उसे खुशी दे। यहाँ पर ब्लोटिन और गमोरा स्प्रेड हो जाती है ये कहते हुए कि अगर हम दोनों एक साथ रहे तो फिर हम एक पटा टारगेट बन सकते हैं अपने अपोनेंट्स के लिए। इसी वजह से ग्लोटिन अपने रास्ते निकल जाती है और गमोरा अपने, लेकिन ग्लोटिन के साथ उसकी तलवार थी जो उसे डिफेंड कर रही थी। जब बुल्स आई उस पर पीछे से अटैक करती है तब डॉज करने के लिए सबसे पहले उसे तलवार ही बताती है, और तब इलेक्ट्रा कहती है कि अच्छा डॉज था और मैंने बरसों पहले तुम्हारे जैसे ही एक को काफी दर्द देकर मारा था। यहाँ पर माइस्ट्रो और कलेक्टर उन लोगों की फाइट देख रहे थे, माइस्ट्रो बीच में उठकर अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगता है, तब वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी टीम तुम्हारी बनाई स्ट्रैटेजी पर ही काम कर रही है और तुम देखना नहीं चाहोगे कि वो जीते हैं या मरते हैं। तब वो कहता है उनके साथ कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं है क्योंकि मेरे पास और भी प्लान्स है। और यहाँ पर माइस्ट्रो अपने प्राइवेट क्वार्टर में उस डिवाइस को लेने आता है जो की गनार के एक पार्ट से बना हुआ था, और उसे ये भी पता चल जाता है कि गनार की बाकी बॉडी भी किसी को मिल चुकी है, और तब वो इसी बारे में चिंता कर रहा था कि गनार की बॉडी के साथ वो लोग उस तक भी पहुंच सकते हैं, तो वो ये सोच रहा था कि आगे किया जाए। यहाँ पर एडी ब्रॉक बिना अपने विनम सिंगर के था और गमोरा उसे पूछ गया थी कि तुम्हारा सिंगर कहाँ पर है, क्या तुम इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या फिर तुम्हारा सिंगर तुम्हारे अंदर है। तब वो कहता है कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो बिल्कुल निहत्ता और बिना सिंगर के एडी ब्रॉक है। और तभी इतना कहते ही हल्क जो कि अब विनम के साथ मर चुका था वो धरती फाट कर ऊपर आता है और गमोरा को पकड़ लेता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा और कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।